आपको पता है हमारे राइट साइड और हमारे लेफ्ट साइड पे फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते होते हैं। हाँ? क्या करते हैं वो? आमाल लिखते हैं। आमाल लिखते हैं। आप भी बताओ, हाँ क्या करते हैं? आपके पास भी है फरिश्ते राइट एंड लेफ्ट पे? यस, फरिश्ते होते हैं राइट पे और लेफ्ट पे। अनिल यमीनी वानी शिमाली कई चीज लिखते हैं, कोई बुरी चीज लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं जो राइट साइड वाले हैं? वो सारे अच्छे डीड्स, कुछ अच्छा काम करते हैं। अच्छे काम की मिसाल दो, कोई अच्छा काम बताओ। आपने कोई अच्छा काम किया? नमाज पढ़े। और बताओ, ज़कात तो देंगे, कुरान पढ़ना, अम्मी की बात सुनना। हाँ और बताओ। तो राइट साइड वाले लिखते हैं कि आपने आपकी अम्मी की बात सुनी, आपने कुरान पढ़े, आपने रोजा रखे। मिसाल दो और, हाँ फास्टिंग करना, रोजा रखना। तो राइट साइड वाले जो फरिश्ते हैं ना, अनिल यमीनी वानी शिमाली कईद, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड पे फरिश्ते हैं, हाँ हज करना, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जुबान से कोई बात नहीं निकलती है लेकिन उसके पास फरिश्ते होते हैं जो गौर से देख रहे होते हैं और रेडी वेट कर रहे होते हैं, क्या क्या कहा इमीजिएटली लिख देंगे। और आपको पता है यहां तक आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, सही बुखारी की हदीस है, कि जब हम कोई अच्छी चीज सोचते हैं, नियत करते हैं, आप सोचते हैं ना कोई चीज, कोई अच्छी चीज सोचे आपने? मिसाल दो, कोई अच्छी चीज सोचे। जैसे कि हम लोग कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फास्टिंग करेंगे, क्लास में जाएंगे, प्रोग्राम देखेंगे, इस्लामिक प्रोग्राम ध्यान से सुनेंगे इंशाल्लाह। कोई अच्छी चीज सोचते हैं ना, तो आपको पता है एक नेकी लिखी जाती है, फरिश्तों को अल्लाह ताला इंफॉर्मेशन देते हैं और फरिश्ते वो चीज नोट कर देते हैं, तो फरिश्तों को हमारी सोच भी पता चलती है। आपको पता है हम क्या सोच रहे हैं? यहां तक आके कुछ तलफ ने, कुछ कॉलर्स ने ऐसे बताया कि यहां तक आके फरिश्तों को अच्छी चीज सोचते हैं ना तो अच्छी स्मेल आती है, और कोई बुरी चीज हम लोग जब सोचते हैं ना उनको एक बुरी स्मेल मिलती है। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, जब कोई नहीं देख रहा है, अम्मी भी नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तब भी नोट करते हैं? तब नोट करते हैं, कोई नहीं दिख रहा है तो नोट करते हैं, फरिश्ते नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ करते हैं। कब क्या करते हैं नोट? लिखते हैं। हाँ कोई नहीं दिख रहा है तो भी लिखते हैं? हाँ। अम्मी नहीं देख रहे हैं तो फरिश्ते नोट कर रहे हैं? फरिश्ते साथ में है? हाँ। आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले हो एकदम, फरिश्ते हैं साथ में आपके? हाँ अकेले हैं तो भी? यस अकेले भी हैं तो भी फरिश्ते क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। अच्छा आपको पता है कि अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह की मखलूक बनाया, अल्लाह ताला ने जिनों को भी बनाया, मालूम है आपको? और बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनों से बहुत डरते हैं, मालूम है? बोले भूत, हम लोग भूत में नहीं मानते, हम लोग जिनों में मानते हैं। जिनों की दुनिया है जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हम उनको दिखते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दिया है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा है हमारी हिफाजत करने के लिए, पता है आपको? देखो दो फरिश्ते होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं, अनिल यमीनी व अनिशमाली कईद, जो राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो नोट कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कुरान में सूरह रौद है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने बताया, लहु मुआक्किबातु मिन बैनी यदैही व मिन खल्फी यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया, लहु मुआक्किबात, मुआक्किबात का मतलब क्या है मालूम है? एक के बाद दूसरे। उसकी क्या बात है? एक के बाद दूसरे अल्लाह ताला ने सक्सेसिव फरिश्तों को भेजा है। हाँ सक्सेसिव का मतलब एक के बाद दूसरे, क्या मतलब मैं बताने वाला हूं, रुको, आगे से और पीछे से। राइट एंड लेफ्ट पे तो थे ना फरिश्ते, आगे और पीछे भी अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किया है। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं हमारी, क्या करते हैं? हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो फरिश्ते होते हैं इनकी ड्यूटी होती है, चेंज होती है, फजर के वक्त पर और असर के वक्त पर। जो असर के वक्त पर जो फरिश्ते आते हैं वो रात भर हमारे साथ रहते हैं, फजर तक रहते हैं, फजर के टाइम पर वो जाते हैं, और फजर की नमाज के टाइम पर जो फरिश्ते आते हैं वो असर तक हमारे साथ रहते हैं। और उनकी ड्यूटी कब चेंज होती है आपको मालूम है? असर और फजर उनकी ड्यूटी चेंज होती है नमाज के टाइम पर। जब हम फजर की नमाज पढ़ते हैं ना सुबह में, और असर की नमाज शाम में पढ़ते हैं, वो टाइम पर ड्यूटी चेंज होती है, और वो टाइम पर दोनों फरिश्ते होते हैं, यानी मॉर्निंग के भी होते हैं, नाइट के भी होते हैं, और वो फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है। अच्छा फरिश्ते कहाँ रहते हैं आपको पता है? आसमानों में रहते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं ना तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, हाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं, नाजिल यानी नीचे आते हैं, कहाँ से आते हैं? आसमानों से आते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? अल्लाह के पास रहते हैं, आसमानों में रहते हैं,
और वो लोग नीचे आते हैं, उनकी ड्यूटी चेंज होती है तो वो लोग नीचे आते हैं। तो हमारे साथ में कौन कौन है? दो फरिश्ते हैं, क्या करने के लिए? हिफाजत करने के लिए, लिखने के लिए, नोट करने के लिए। और क्या होते हैं दो फरिश्ते आगे पीछे? हिफाजत करने के लिए। और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन, तुम में से कोई एक भी नहीं है, इल्ला मा हु करीनहु मिनल मलाइका व करीनहु मिनल जिन, सिवाय उसके साथ में एक साथी होता है फरिश्तों में से और एक साथी होता है जिनों में से। जो फरिश्तों का साथी है वो कहता है कि अच्छा काम करो, ये अच्छा काम करो, और जो जिनों का साथी होता है ना वो कहता है ये बुरा काम करो, ये गलत काम करो। तो हम देखते हैं कि हम सबके साथ में ऐसे फरिश्ता होता है और जिन होता है। आपको लगता है कभी कभी कि ऐसे लग रहा है हाँ ये गलत काम करूं मैं, ये अच्छा काम करूं, ऐसे फीलिंग आती है ना, ये फरिश्ते और जिन होते हैं। जिनों का साथी होता है जो कहता है गलत काम करो, और फरिश्तों का साथी होता है जो कहता है अच्छा काम करो। तो अल्लाह ताला ने जहां जिनों को बनाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी बनाया, और फरिश्तों को हमें हिफाजत करने के लिए भेजा। देखो अगर सोचो अयान, अगर तुम इनविजिबल होते, तुम किसी को दिखते ही नहीं, अब यहां पे आके कोई आके टपली लगा रहा है अब्दुल्ला को, हाँ फिर कोई दिखाई नहीं, हाँ लेकिन ऐसे जिन आकर के ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फिक्स किया है। लेकिन जहां पे जो लोग नाफरमानी करते हैं और गलत काम करते हैं, तो यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो लोग हिफाजत करते हैं। फरिश्ते किसकी बात मानते हैं? अल्लाह की बात मानते हैं। अल्लाह की मर्जी होगी तो हमारी हिफाजत होगी, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो हमारी हिफाजत नहीं होगी। अच्छा कुछ फरिश्ते होते हैं जो हमारे साथ रहमत वाले फरिश्ते होते हैं, मालूम है रहमत वाले फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते होते हैं, वो छोड़ देते हैं हमें। क्या चीजों से छोड़ते हैं आपको पता है? क्या? हिफाजत। क्या चीजों से हमारी हिफाजत, हमारा प्रोटेक्शन, अल्लाह की रहमत जो आती है ना रहमत, डॉगी से, हाँ डॉग फ्रेम, डॉग कहाँ पर? जिस घर के अंदर कुत्ता हो ना, घर के अंदर नहीं हो सकता, बाहर हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई डॉग है जो कोई चोर आएगा तो बार्किंग करेगा वो अलग बात है, लेकिन घर के अंदर नहीं हो सकता। तो जो घर में डॉग हो तो वो घर में फरिश्ते वो घर में नहीं आते, और जो घर में कार्टून सब उसकी पिक्चर बनी हुई है तो उससे फरिश्ते नहीं आते। बिल्कुल सही, जो घर में फोटोज लगी है, फोटो मालूम है, फोटो घर में नहीं लगा सकते, फोटोज लगी हुई है, पिक्चर्स बने हुए हैं, तो वहां से फरिश्ते क्या होते हैं? रहमत के फरिश्ते दूर होते हैं। अकाउंट लिखने वाले फरिश्ते वहाँ अकाउंट लिखते हैं सबका, कि वो लोग भी अकाउंट लिखना छोड़ देते हैं? नहीं, लिखते हैं। अकाउंट वाले फरिश्ते होते हैं जो अकाउंटिंग लिखते हैं ना फरिश्ते, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स, तो बैड डीड्स लिखने वाले फरिश्ते फिर छोड़ के चले नहीं जाते हैं, रहमत के फरिश्ते चले आते हैं। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस कारवां के साथ में घंटा हो, घंटा जर्स, जर्स बोलते हैं अरबिक में, तो फरिश्ते उस कारवां को छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें हो ना, जैसे म्यूजिक, फरिश्ते क्या होते हैं? जो रहमत वाले फरिश्ते होते हैं ना, अगर म्यूजिक बजेगी ना तो वो लोग छोड़ देंगे। आपको पता है म्यूजिक हो ना, घर में म्यूजिक आ जाए, मालूम है फिल्मों में म्यूजिक होती है और उसके अंदर टीवी पे कितनी सारी गलत चीजें आती है, तो वो म्यूजिक से क्या होता है, रहमत वाले फरिश्ते ऐसे घर को छोड़ देते हैं, हाँ अपने घर को वैसा ना बनने दो। उसी तरह हम देखते हैं कि कुछ चीजों से छोड़ते हैं, झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत चीज बोल रहे हो, तो रहमत वाले फरिश्ते अच्छे फरिश्ते होते हैं ना, हाँ वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो छोड़ देते हैं। आपको पता है फरिश्ते कितने सारे हैं दुनिया में, कितने फरिश्ते हैं आपको पता है? आप एक अंदाजा लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए जमा होते हैं। हम लोग क्या करने आए यहाँ पे? सीखने, कुरान सीखना है ना, अल्लाह के कुरान के बारे में सीखना है ना। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुरान सीख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीख रहे हैं, इस्लाम को सीख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हम अच्छी चीज के लिए जमा होते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पे चार चीजें होती है, वो इत्तदा रसूलहु बैनहुम, उसका दर्स करने के लिए, कुरान का दर्स करने के लिए, और एक और हदीस में आता है इल्म सीखने के लिए, नॉलेज के लिए, हम लोग दीन का इल्म सीखने के लिए कर रहे हैं ना ये, तो वहां पे क्या होता है, चार चीजें होती है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर इत्मीनान नाजिल होता है। इत्मीनान मालूम है, सुकून, दिल को अच्छा लगे, सुकून, ऐसा लगता है कभी दिल को परेशान हो, टेंशन है, और कभी लगता है सुकून है, अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ कभी होता है ना, तो दिल को सुकून कहाँ मिलता है मालूम है? अल्लाह के कलाम सीखने में है, हाँ कुरान सीखने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखने में है, दिल का सुकून है। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गश्यतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत आके कवर कर लेती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व हफ्फतहुमुल मलाइका, फरिश्ते क्या करते हैं? घेर लेते हैं। घेर लेते का मतलब सराउंड,
इतने सारे फरिश्ते आते हैं कि वो लोग सराउंड कर लेते हैं। किसको सराउंड करते हैं? किन लोगों को? जो सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कुरान सीख रहे हैं, कुरान का दर्स, इस्लाम की नॉलेज, इल्म सीख रहे हैं। वो जगह, वो मजलिस, वो गैदरिंग जहां लोग सीख रहे हैं, उसे फरिश्ते क्या कर लेते हैं? हफ्फतुल मलाइका। फरिश्ते क्या करते हैं? और पता है आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतने सारे फरिश्ते आते हैं एक के ऊपर एक, इला समाई दुनिया, एक हदीस में आता है कि दुनिया के आसमान तक इतने सारे फरिश्ते आते हैं, और देख कितना उनको पसंद है। सही बुखारी की हदीस है कि ऐसे बहुत सारे फरिश्ते हैं जो दुनिया में घूमते हैं, और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पर कौन सी दीन की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, इस्लाम की बात हो रही है, जिक्र, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की याद की बात हो रही है। हम लोग किसकी याद की बात कर रहे हैं? अल्लाह की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्या करते हैं फरिश्ते होते हैं जो क्या करते हैं? घूमते हैं दुनिया में, जहां पर उनको दिखता है कि यहाँ पर इस्लाम की बात हो रही है, दीन की बात होती है, तो वहां पे क्या करते हैं फरिश्ते? वहां पे आ जाते हैं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।